हाजीपुर पटना से। 30 जनवरी है, डे है संडे। तो अभी हम आरपीएस मोर के पास हैं, यहाँ से हम लोग जेपी सेतु की ओर जाएंगे और वहाँ से फिर देखते हैं। हमें हाजीपुर का रास्ता ज़रूर पता है, बट हमारा जो दोस्त है जिससे हम मिलने जा रहे हैं अंशु, तो देखते हैं उसका घर किस तरफ को पड़ेगा। ये अभी आ चुका है हमारा रूपसपुर वाला पुल, जो पहला पुल है टुवर्ड्स पटना फ्रॉम सगुना, और हम इस पुल के नीचे से लेफ्ट से जा रहे हैं। चलिए फिर अब आपको हम मिलते हैं जेपी सेतु के पास, और आगे आपको राइड का डिस्क्रिप्शन देते रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो नहीं कहूँगा डेली व्लॉग्स और वीकली व्लॉग्स आएंगे, बट हाँ जब भी मौका मिलेगा आप लोगों के लिए व्लॉग्स ज़रूर आते रहेंगे। तो हम लोग जेपी सेतु आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, आप आकर के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यही ब्रिज है जेपी सेतु, ये ब्रिज ही कनेक्टिविटी देती है वैशाली डिस्ट्रिक्ट और पटना डिस्ट्रिक्ट को। अच्छा खासा लंबा ब्रिज है, इतना लंबा है कि वीडियो में गायब सा हो जा रहा है। और ये अब हम लोग अप्रोच रोड पर आ चुके हैं जेपी सेतु के। पाँच किलोमीटर का अप्रॉक्स पुल है ये गंगा नदी के ऊपर। नेपाल जाते वक्त भी हम लोग इसी साइड से गए थे, रात में गए थे इसलिए ज़्यादा रोड का आइडिया नहीं पड़ पाया था, बट अभी आप क्लियरली देख सकते हैं। नेपाल की व्लॉग्स आपने नहीं देखी तो चैनल में पब्लिश हो चुकी है, पार्ट वन पार्ट टू की तरह। इट्स अ मस्ट वॉच, काफ़ी एडवेंचरस राइड रही थी। अगर समय निकलेगा तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ नेपाल के दोनों पार्ट का। यहाँ से हमें राइड जाना है, तो अब हाजीपुर 1-2 किलोमीटर रह गया बस, ज़्यादा नहीं। यहाँ से नया वाला ब्रिज आएगा सोनपुर का, उस ब्रिज के पहले सारा कुछ सोनपुर है और उस ब्रिज के आगे सारा कुछ हाजीपुर है। नया वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले एक पुराना ब्रिज था जो राइट साइड में है, अगर दिखेगा तो आपको दिखाएंगे। हालांकि ये ब्रिज भी पुराना हो गया, 10 साल हो चुके हैं। वो जो ब्रिज दिख रहा है वो पुराना ब्रिज है, पुल जहाँ एंड होता है वहीं पे सोनपुर का मेला लगता है, और ये जो रिवर है ये है गंडक नदी, तो गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है ये। तो अभी हम हाजीपुर के पासवान चौक पे थे और पासवान चौक से ये हमने लेफ़्ट लिया है। आगे हमें बोर्ड दिख रहा है बरौनी 105, दरभंगा 108, तो हाजीपुर के भाई लोग समस्तीपुर 67, तो आप समझ सकते हैं हम किस साइड वाले रोड पे हैं। हम लोग तो गूगल मैप्स के सहारे जा रहे हैं। हाँ, हम इंडस्ट्रियल एरिया साइड है, कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह दिख रही हैं, और ये फ्रांसिस जेवियर अकेडमी, तो हम इस तरफ है कुछ। तो अब हम बिद्दूपुर पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट बिद्दूपुर के पास है। तो ये है बजरंगबली चौक, बजरंगबली चौक से हमने राइट लिया है, और यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन है 7.4 किलोमीटर्स और
16 मिनट लगेंगे हमें। हमें ज़्यादा आइडिया तो है नहीं कि मतलब दोस्त के जगह का नाम क्या है, बट एक बार 7-8 साल पहले आए थे तो इस जगह को कहते हैं मिल्की गांव। इस जगह को नहीं, जिस जगह पे जाना है उस जगह को कहते हैं मिल्की, उसके गांव का नाम है मिल्की गांव। तो हम लोग आ चुके हैं मिल्की गांव। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया अंशु के यहाँ पे, और ये स्कूल है, यहीं पे हम लोग पिछली बार आए थे तो बैठे थे, तो अभी यहीं पर थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे और इसके बाद उस तरफ जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पटरी के पास। तो बबलू अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, देव नारायण इनकी, ये हमारे दोस्त है अंशु, डीएसपी बनते बनते थोड़ा से मार्क्स से रह गए हैं। और बताइए, आप बताइए, दिल खुश कर दिया आपने, साफ हो गए। फिर भी बबलू की बाइक में पीछे टायर हगर नहीं होने की वजह से इस पर पूरा कीचड़ लग चुका था। ये पोजीशन लेकर के बैठ चुके हैं अविनाश जी, दो नंबर। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, कुछ वार्तालाप करेंगे इसके बाद। तो गाइस शाम के 5 बज रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय रहा हमारा हमारे दोस्त अंशु जी के साथ। तो आप देख सकते हैं सूरज ढलने लगा है और हम लोग भी हाजीपुर की साइड से पटना के लिए निकल चुके हैं। प्रोडक्टिव राइड रही आज की हमारी, आज की संडे राइड, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया अंशु के साथ और एक छोटी मोटी राइड भी हो गई। तो इसी के साथ आज की राइड को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक अगले सफ़रनामे में।